टू माय चैनल, मेरे चैनल शिखास किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए बिल्कुल नया वीडियो लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उस वीडियो को। दोस्तों, आज मैं आपके साथ बहुत ही स्पेशल स्वीट डिश की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। कई बार अचानक मेहमान आ जाते हैं, तब हमें लगता है हम मीठे में क्या बनाएं। तो इसके लिए आधा कप दूध लिया है, आधा कप मिल्क पाउडर, एक चम्मच मैंने देसी घी लिया है, केसर लिया है, और साथ ही ये दूसरे बोल में मैंने थोड़ा सा ठंडा दूध लिया है। काली कटोरी में मैंने एक चम्मच शक्कर ली है, पिस्ते की कतरन ली है। तो सबसे पहले तो दोस्तों, ये जो पिसी हुई बड़े चम्मच भर के शक्कर ली है, वो मैं इस ठंडे दूध में ऐड कर रही हूँ ताकि दूध अच्छा मीठा हो जाए। और अब हम रबड़ी की तैयारी कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको झटपट तैयार होने वाली रसमलाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो रसमलाई को बनाने के लिए सबसे पहले हम रबड़ी बना लेते हैं, क्योंकि रबड़ी को बनने में थोड़ा टाइम लगेगा और साथ ही साथ उसे ठंडा होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो रबड़ी के लिए मैंने सिर्फ आधा कप दूध लिया है और आधा कप मिल्क पाउडर लिया है। ड्राई फ्रूट्स आप अपने पसंद के अनुसार ले सकते हैं। तो ये जो मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, उसमें मैंने आधा चम्मच शक्कर का पाउडर डाल दिया है, पिसी हुई शक्कर डाल दी है, ताकि थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स में मीठा टेस्ट आ जाए। कढ़ाई में मैंने एक चम्मच घी डाला है। घी जैसे ही मेल्ट होगा, हम इसमें आधा कप दूध जो हमने कप में लिया है वो डालेंगे। पूरा दूध नहीं डाला है, थोड़ा सा दूध अभी मैंने बचा लिया है। दूध जैसे ही हल्का सा गुनगुना हो जाएगा, तब हम इसमें मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। यदि हम दूध को उबालेंगे और फिर रबड़ी बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, कम से कम एक घंटा लग जाता है दूध को औटने में। परंतु कई बार जब हमें बहुत जल्दी रहती है और स्वीट डिश बनाना है, या घर वालों के लिए बनाना है, या कोई मेहमान आ रहे हैं, तब आप इस तरह से एक बार इस डेजर्ट को बना कर देखें दोस्तों। बहुत ही मज़ा आएगा सबको खाने में और आपको मज़ा आएगा खिलाने में। तो मैंने मिल्क पाउडर भी अच्छी कंपनी का लिया है, आप जो भी कंपनी का हो आप लें। अच्छा मिल्क पाउडर लेने से किसी भी चीज़ में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो बाकी कप में बचा हुआ जो दूध था वो भी मैंने ऐड कर दिया है, और इसे मुझे मुश्किल से 5 मिनट तक ही पकाना। मिल्क पाउडर डालने से बहुत ही जल्दी रबड़ी बन जाती है। शक्कर 2 चम्मच ही डाला है, क्योंकि मिल्क पाउडर अपने आप में मीठा होता है। 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर डाला है। अब इस जो हम रबड़ी बना रहे हैं, इसे उबलते हुए करीब करीब 3 से 4 मिनट हो गए हैं दोस्तों। अच्छा इसमें गाढ़ापन आ गया, और जैसे ही ये ठंडी होगी रबड़ी, तो अपने आप इसमें और भी ज़्यादा गाढ़ापन आ जाएगा। तो अब मैं गैस बंद कर रही हूँ और इसे ठंडा होने देती हूँ, और साथ ही साथ कुछ अपने पसंद के ड्राई फ्रूट ऐड करें। मैंने इसमें चारुली डाला है, बादाम डाला है, और थोड़े से बारीक कटे हुए काजू भी मैंने इस रबड़ी में डाल दिए हैं। किशमिश भी 2 से 4 किशमिश भी डाली है, क्योंकि इस रबड़ी में जब किशमिश मुँह में आती है तो खाने में बड़ा मज़ा आता है। और एक बार मैंने इसे अच्छी तरह से और हिला दिया है दोस्तों, कि जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो अच्छे से पक जाएं। अब यहाँ पर मैंने 6 ब्रेड की स्लाइस ली है, जिसके मैंने किनारे कैंची की मदद से काट लिए हैं। अब एक एक ब्रेड की स्लाइस को उठाना है, और ये जो ठंडा दूध लिया है जिसमें हमने शक्कर डाल के मीठा कर लिया है, उसमें हल्का सा ब्रेड को डुबाना है। बहुत ज़्यादा ब्रेड को ना डुबाएं, नहीं तो बहुत ही गीली हो जाएगी। बीच में हम ड्राई फ्रूट की स्टफिंग भरेंगे। यदि आपके पास उसमें कोई खोए की मिठाई रखी है घर पर, तो आप उस खोए की मिठाई को इसमें ज़रूर ऐड करें। अगर खोए की मिठाई नहीं है तो कोई बात नहीं, जैसे कि मैं ड्राई फ्रूट्स की स्टफिंग कर रही हूँ, आप भी इस तरह से कर सकते हैं। और बस छोटे छोटे से गोल, जैसे हम लड्डू बनाते हैं वैसे बना के हल्का सा उसे चपटा कर लें। ये देखिए, फिर से बता रही हूँ, ब्रेड ली, बहुत ज़्यादा दूध में डिप ना करें दोस्तों, नहीं तो बहुत ही ब्रेड गीली हो जाएगी, तो हमें गोले बनाने में परेशानी होगी। हल्का सा मीठे दूध में मैंने इसे डिप किया है, इससे जो हम ये रसमलाई बना रहे हैं तो रसमलाई भी हमारी मीठी रहेगी। अगर हम सादे दूध में इसे डिप करेंगे दोस्तों, तो ये फीकापन रहेगा। इसलिए मैंने ड्राई फ्रूट में भी शक्कर ऐड की है, और इस दूध में भी मैंने हल्की सी शक्कर ऐड की है। तो बस इसी तरह से जितनी भी रसमलाई आपको तैयार करना है, आप इसे इसी तरह से बना कर रख लें। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ दोस्तों, कम से कम 10 से 12 रसमलाई के पीस बनाकर रख लेती हूँ। और रबड़ी तो हम पहले से तैयार कर ही चुके हैं, जिसे हमने ठंडा करने रख दिया है। और जब भी कोई गेस्ट आए या फिर कोई भी पार्टी हो, तब आप जब सर्व करते समय ही इन रसमलाई में ऊपर से आप रबड़ी डालें। बिल्कुल रबड़ी को आप ठंडा होने फिर फ्रीज में भी रख दें, तो और भी मज़ा आता है इसे खाने में दोस्तों। आप देख रहे हैं, छोटी छोटी सी हमारी जो रसमलाई बन रही है वो बहुत ही स्वादिष्ट लगने वाली है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें।
तो रबड़ी खूब अच्छी तरह से ठंडी हो गई है और बहुत अच्छा इसमें गाढ़ापन आ गया है रखे रखे। अब ये जो रसमलाई है जब आपको सर्व करना है दोस्तों, इसे हमें पहले से डालकर नहीं रखना है, जब आपको सर्व करना है तब आप इसमें जो रसमलाई के बॉल्स हमने बना कर रखे हैं उसमें इस ठंडी ठंडी रबड़ी को ऊपर से डालें। तो रबड़ी में भी हमने इतने सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दिए थे तो ये रबड़ी और भी स्वादिष्ट लगेगी। आप चाहें तो रबड़ी में थोड़ी सी केसर भी डाल सकते हैं, परंतु जो केसर है वो मैं बाद में ही इसमें ऐड करने वाली हूँ। बारीक कटा हुआ पिस्ता लिया है, आप चेरी से भी इसे डेकोरेट कर सकते हैं, डेकोरेशन आप अपने पसंद से कर सकते हैं। तो थोड़े से मैंने पिस्ते की कतरन ली है, वो इस रसमलाई पर डाल रही हूँ। जितनी सुंदर ये दिखने में लग रही दोस्तों, उतनी ही अच्छी ये खाने में भी है। दो से चार हम केसर की पत्तियाँ भी इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि बाज़ार में जो रसमलाई मिलती है उसमें केसर तो डला ही रहता है, आप चाहें तो रबड़ी में भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं गार्निशिंग के लिए केसर की कुछ पत्तियों को इसमें डाल रही हूँ। तो दोस्तों देखा ना कितने झटपट हमने तैयार की, ना हमें रबड़ी बनाने में समय लगा और ना ही हमें रसमलाई को बनाने में समय लगा। तो ये डेज़र्ट बहुत ही अच्छा और सबको बहुत ही पसंद आता है, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही जल्दी बनती और बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो ये हमारी झटपट तैयार होने वाली रसमलाई तैयार है, हमारा स्वीट डिश तैयार है। इसे मैं आपको काट के दिखा रही हूँ, बहुत ही सॉफ्ट हमारी रसमलाई बनी है। तो दोस्तों रेसिपी अच्छी लगी हो तो आपको करना है लाइक, साथ ही साथ मेरे चैनल शिखास किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी